हेलो दोस्तों, साउ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट में कैसा रहा स्ट्रैटेजी और कल कैसा रहेगा स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करते हैं। चलो चलते हैं निफ्टी यूटी में देखते हैं। निफ्टी यूटी में आज बहुत तेज़ी आया था, जिसकी वजह से मार्केट में आज जो स्टॉक है निफ्टी 50 का अंडर का जो 50 स्टॉक है उसमें ज़्यादातर स्टॉक बहुत तेज़ी में आया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का जो आज हाई बनाया था 9931 का हाई बनाया था, ये देख सकते हैं, और लो बनाया था 9706 का लो बनाया था, और अभी जो क्लोजिंग दिया है 9826। इसका मतलब जैसे हम बात किए थे 9500 के बाद एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद अगर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने के बाद अगर वहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है तो वहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट आएगा बोल के हम बात किए थे। तो अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल, अभी जो आप देख पा रहे 10,000 के लेवल का आसपास आपके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बार 10,000 को से पीछे एक बार आके वहाँ से गिरावट आया था। ये रहा 10,000 के पास में, ये लेवल के पास आके यहाँ से गिरावट आया था, कम से कम 1,500 पॉइंट गिरावट आया था। वहाँ से एक अच्छा बोलिंजर बैंड को टच करके वहीं से मूवमेंट देके और आज अपर बोलिंजर बैंड जो गैप में आज खुल के उससे ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब है जो गैप फिलअप करने ये भी आ सकता है, एक बार रिटर्न कर सकता है, या फिर 10,000 के पास एक बार ब्रेकआउट दे के वहाँ से भी रिवर्स मार के फिर से अंदर की तरफ आ सकते हैं। ये रहा स्ट्रेटजी। अगर पूरी तरह बात किए तो आज जो ग्लोबल इंडेक्स था, तो निफ्टी 50 का जो तेज़ी का कारण था ग्लोबल इंडेक्स था। ग्लोबल इंडेक्स में आप देख सकते हैं आज दिन भर का जितना ही ग्लोबल में स्टॉक इंडेक्स काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी, लंदन, जापान, ये सब मार्केट में आज अच्छा तेज़ी आया था, इसी की वजह से हमारे मार्केट में तेज़ी आया। तो ये इंडेक्स देख सकते हैं, और हमारा जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक का बजाज फाइनेंस अभी टाटा कंपनी और टाटा स्टील का जो 5 शेयर है उसमें अच्छा मूवमेंट आया था, इसी वजह से निफ्टी 50 शेयर में ज़्यादा तेज़ी आया था। तो ये देख सकते हैं 50 स्टॉक में ज़्यादातर 1324 स्टॉक में आज एडवांस आया था, और डिक्लाइन में 279 में। टॉप गेनर स्टॉक में 4 कंपनी निकले हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 10% के आसपास, मैंने 5% से अबव दिया है परफॉर्मेंस। जो बेयरिश स्टॉक है, जो डॉक्टर रेड्डी भारत इंफ्राटेक, नेस्ले जैसा स्टॉक है, आज ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है और ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, इसी वजह से निफ्टी 50 में आज तेज़ी आया है। तो चार्ट में चलते हैं। चार्ट में देख पा रहे हैं अभी जो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 10,000 हो गया रेजिस्टेंस और 9,500 हो गया सपोर्ट। इसी के बीच में जिस तरह आपको ब्रेकआउट दे, अगर 9,500 ब्रेकआउट देता है तो कम से कम आपको 9,350 तक आप देखने को मिल सकते हैं। ये गैप रह गया 9,700 टू 9,600 पॉइंट का गैप है, ये गैप को फिलअप करने भी ये रिवर्स मार सकता है। तो ये भी ध्यान देना है किस तरह ब्रेकआउट देते हैं। अगर रिसेंट सपोर्ट 1 जोन अगर मिलते हैं तो 9,750 को आपको सपोर्ट 1 में मानने चलिए, और 9,750 को अगर ब्रेकआउट देते तो यहाँ पर एक अच्छा बेयरिश पैटर्न बन सकते हैं। अगर कल अगर पॉजिटिव खोलता है तो 10,000 आपका हो गया रेजिस्टेंस, और 10,000 के पास रेजिस्टेंस जोन भी है, वहीं आसपास आके फिर बेयरिश बन सकता है। ये रहा स्ट्रैटेजी। और RSI देखिए, RSI अप डाइवर्जेंसी दिखा रहा है, अप डाइवर्जेंसी, और 63 के पास अभी रुका है। इसका मतलब अभी तक भी वो अप जाने के लिए स्ट्रेंथ बना कर रखा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है 9,876 जो पिछला हाई बनाया था लगभग 30 अप्रैल के पास, तो ये लेवल के पास अभी रुका है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो 10,000 आपका रिसेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये रहा निफ्टी 50 का स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक में देखेंगे, निफ्टी बैंक में 9,959 का आज क्लोजिंग दिया है, हाई बनाया था 20,225 का। इसका मतलब है जो अपर बोलिंजर बैंड है 21,000 के पास है, अभी भी ये बोलिंजर बैंड को अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी भी टच अभी बाकी है। अगर कल पॉजिटिव भी खोलता है तो 20,480 तक आप उसको रेजिस्टेंस मान के चलिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 20,000 आप टारगेट बना सकते हैं।
इस लेवल पे, और ये गैप भी 200-300 पॉइंट का गैप है। अगर यहीं से बियरिश पैटर्न बनता है तो आपको 19,000 को टारगेट बना के यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। और मिड वॉलिंग बैंड 19,000 के आसपास है, अपर वॉलिंग बैंड 20,500 के पास है, ये दो लेवल है, वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। और RSI देखिए, RSI 55 के पास है, अच्छा मूवमेंट दिया है ऑफ लेवल की तरफ, और देखते हैं ग्लोबली कैसे रहते हैं। ग्लोबली के हिसाब से हमारे मार्केट में वो तेज़ी ऊपर चढ़ाव रह सकते हैं। ये रहा निफ्टी बैंक और निफ्टी का स्ट्रेटजी। आज जो USD डॉलर था वो कमज़ोर था, रुपीज़ आज मजबूत था, इसी के चलते हम मार्केट को एक प्लस पॉइंट बन गया। और जो अच्छा शेयर परफॉर्मेंस दिया था वोल्टास बजाज फाइनेंस शेयर, अच्छा 10% का वो परफॉर्मेंस दिया है।